पिछले एक हफ्ते से बाबा मंगलदास खेल परिसर में आया नगर प्रीमियर क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें गांव देहात की कई टीमों ने हिस्सा लिया। खेल के प्रति युवाओं को जागरूक करना और उन्हें खेलों में बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों से खिलाड़ियों का मनोबल जरूर बढ़ता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी समाज सेवी और युवा नेता जेपी लोहिया और उनकी टीम ने प्रीमियर लीग का आयोजन किया। लीग में कई टीमों ने भाग लिया और खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभाओं से लोगों का दिल जीता और अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन किया। और सारी टीमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे चल के हमारे ये जो बच्चे हैं आगे भविष्य में इंडिया की टीम में आएंगे, हमें ये उम्मीद है। और जेपी ने ये टूर्नामेंट शुरू किया है जिससे नए बच्चों को उभार आता है। जेपी ने टूर्नामेंट कराया है। ये टूर्नामेंट ऐसा है कि जो क्रिकेट का शौक चल रहा है आज इंडिया में सबसे टॉप चल रहा है और जो हमारे ग्रामीण बच्चे हैं उनमें क्रिकेट का कम शौक है, तो ये जेपी जी हर साल बच्चे इनको उत्साह बढ़ाने के लिए ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे निकल के और क्रिकेट में खेलें। लोहिया ने बताया कि आया नगर और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं ने गाँव का नाम किया है और स्टेट और देश के लिए भी खेल चुके हैं। आज जो आया क्रिकेट लीग का टूर्नामेंट किया है इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। मेरा आयनगर एक ऐतिहासिक गांव रहा है। मेरे आयनगर में नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मेरे आयनगर गांव ने दिए हैं। मैं बीच में हमारे थोड़े स्पोर्ट्स में बच्चे इसके अंदर हम लोगों ने मेरे साथ काफ़ी नौजवानों की टीम है, हम लोगों ने इसको बीड़ा उठाया है और हम लोग इस तरह हर वर्ष स्पोर्ट्स के गेम कराते भी हैं और आगे भी इस तरह से कराते रहेंगे। क्रिकेट के साथ साथ कबड्डी और खो खो खेलों का भी आयोजन किया गया था। मैच में सभी टीमों को सम्मानित भी किया गया। देवभूमि न्यूज के लिए दिल्ली से दीप सिलोड़ी।